नमस्कार दोस्तों, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में अबू सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अबू सलीम की लव स्टोरी भी पूरी तरह फिल्मी है। दोस्तों, सलीम के रिलेशन बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ रहे हैं। एक प्रेमी जोड़े को साल 2005 में पुर्तगाल से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। कुछ ही वक्त बाद दोनों को फर्जी पासपोर्ट मामले में मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया था। सलीम को सेंट्रल जेल में और मोनिका बेदी को भोपाल में जहांगीराबाद थाने में रखा गया था। 2007 में मोनिका को बरी कर दिया गया। अबू सलीम को चोरी, मर्डर और आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जाना जाता है। इसके अलावा पैसों के लिए सलीम स्टेज शो भी करवाता था। इसी बीच मोनिका बेदी उसका सामना हुआ। पहली मुलाकात में ही मोनिका बेदी अबू सलीम पर फिदा हो गई थी। मोनिका बेदी ने जोड़ी नंबर 1, जानम समझा करो जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई और मोनिका व सलीम लंबे समय तक साथ रहे थे। जब यह प्रेमी जोड़ा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से पुर्तगाल पहुंचा तो भारत के आग्रह पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। 2007 में कोर्ट से बरी होने के बाद मोनिका बेदी ने वापस माया नगरी मुंबई की ओर रुख किया। फिर मोनिका कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस और कई टीवी प्रोग्राम्स में भी नजर आई। इसके बाद उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में भी की है। मोनिका के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक इन दिनों वे मॉडलिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। बता दें कि एक्ट्रेस और मॉडल मोनिका बेदी को ट्विटर पर 1,15,000 यूजर्स फॉलो करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड गपशप्स और न्यूज के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।